मुझे अफसोस होता है भाई, मेरे परिवार में सबसे बड़े वो हैं, मेरे लिए आदरणीय हैं वो आज की भी तारीख में। ऐसे में जो कमेंट्स उनके बारे में, जब भी वो कोई बयान देते हैं, उनकी पार्टी के नेता बयान देते हैं, आप सबके चैनल पे भाई, आप भी देखिएगा अपने चैनल पे, आपके भी चैनल पे, सबके चैनल पर कई बार अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उनके बारे में जो मुझे बुरा लगता है, तो वो मेरे परिवार के सदस्य ही ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक, मैं हूँ आपके साथ सुकन्या सिंह। जमुई पहुंचे चिराग पासवान का ताजा बयान देखकर ऐसा लग रहा है कि एनडीए में एलजेपीआर और आरएलजेपी यानी कि चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस का विवाद सुलझ गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जमुई पहुंचे चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस के लिए बड़ी बात कही है। यहां पहुंचे चिराग पासवान ने ये कहा कि चाचा पशुपति पारस उनके लिए आदरणीय है और आज भी अगर पशुपति पारस के खिलाफ कोई अपशब्द बोलता है, कुछ बुरा भला चाचा को कहता है तो चिराग पासवान को बहुत बुरा लगता है। बयान सुनिए। कमेंट्स पढ़े, मुझे अफसोस होता है भाई, मेरे परिवार में सबसे बड़े वो हैं, मेरे लिए आदरणीय हैं वो आज की भी तारीख में। ऐसे में जो कमेंट्स उनके बारे में, जब भी वो कोई बयान देते हैं, उनकी पार्टी के नेता बयान देते हैं, आप सबके चैनल पे भाई, आप भी देखिएगा अपने चैनल पे, आपके भी चैनल पे, सबके चैनल पे जो बयान आते हैं, वो कहीं ना कहीं जन भावनाओं का प्रतीक है। वो दर्शाते हैं कि लोग कितने आक्रोशित हैं और कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उनके बारे में जो मुझे बुरा लगता है, तो वो मेरे परिवार के सदस्य ही ना। चिराग के इस बयान के बाद आरएलजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बता दें कि आरएलजेपी यानी कि चाचा पशुपति पारस की पार्टी और परिवार ये दावा करते रहे हैं कि चिराग पासवान का व्यवहार चाचा पशुपति पारस की तरफ सम्मानजनक नहीं था। चिराग पासवान खुद चाचा पशुपति पारस के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे जब पूरा परिवार एकजुट था, एलजेपी का डिवीजन नहीं हुआ था। और आज जो ताजा बयान चिराग ने दिया है, ये इनका दोहरा चरित्र दिखाता है। आरएलजेपी का बयान सुनिए। मुझे समझ नहीं आता है कि अगर आपको इतना ही प्रेम है आदरणीय मंत्री जी से, तो आप एक बार आके मिल क्यों नहीं लेते। और दूसरी बात, कमेंट सेक्शन में जो भी बातें होती हैं, आप बहुत अच्छा से, आपको पता है कि वो कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू करवा रहा है। तो एक तरफ आप जैसे हमेशा से सर कहते हैं कि गाल फुलाना और हंसना एक साथ नहीं होता है, और ये मगरमच्छ के आंसू बार बार आप दिखा के, क्योंकि आप ही के प्रवक्ता ने कहा था कि भाई आप लोग बहुत बड़े मगरमच्छ है, तो मगरमच्छ के आंसू दिखा के बार बार इस टाइप के बातें करना आपको शोभा नहीं देता है। वो कहते हैं ना कि हाथी के खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और। तो अगर इस टाइप के एक्टिविटीज भी अगर आप बिलीव करते हैं तो आप करते रहिए, लेकिन एक चीज़ आप हमेशा जान के रखिए कि जितनी बातें आप बोल रहे हैं आप ही के खिलाफ, उसके अगेंस्ट आप ही के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि आप आते हैं बोलते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, लेके कहीं और जाते हैं, सब कुछ होने के बाद भी जमुई के सांसद के बारे में, जमुई के लेकर आप कोई बात नहीं करते। बता दें कि बेशक पहली नजर में चिराग पासवान का बयान सुनकर ऐसा लगा कि एनडीए में जो इकलौती दिक्कत है एलजेपीआर और आरएलजेपी के बीच की, यानी कि चाचा पारस और चिराग पासवान की, वो सुलझ गई है। लेकिन जब आरएलजेपी की तरफ से पलटवार हुआ तो फिर साफ हो गया कि विवाद अभी आगे भी चलना है। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।